Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in this Indian Polity Men's Session for Civil Services. I am Faculty of Indian History and Indian Polity for Civil Services. Namaskar, मैं मृत्युंजय राय और मैं स्वागत करता हूँ आपका भारतीय राज्य व्यवस्था मुख्य परीक्षा सत्र में और मैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षक हूँ। हम लोग इस सीरीज में इसके पहले भी 2 से 3 प्रश्न कर चुके हैं और आज आपके सामने एक और नए प्रश्न की चर्चा के लिए मैं उपस्थित हूँ। आई एम हेयर फॉर डिस्कशिंग अ न्यू क्वेश्चन टू यू। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मोर देन 2 to 3 क्वेश्चंस, सो लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर यू। आई रीड द क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन द ब्लेम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा पर कुछ आरोप लगे, कुछ आक्षेप लगे हैं, उन आक्षेपों उन आरोपों का क्रिटिकली एग्जामिन करना है। आपको बताना है कि जो आरोप संविधान सभा पर लगे हैं वह आरोप सही है, गलत है, या क्या आपकी क्या राय है, उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है संविधान सभा पर जो भी आरोप लगे हैं। तो आइए देखा जाए, इन आरोपों की चर्चा की जाए कि संविधान सभा पर जो आरोप लगे वो सही है या नहीं है। सबसे पहला जो आरोप लगा है संविधान सभा पे वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट अ सोवरेन बॉडी, नॉट अ सोवरेन बॉडी। अब देखो, ये तो आरोप है जो लोगों ने लगाया, जो संविधान विशेषज्ञों ने या क्रिटिक्सों ने या बाकी स्कॉलर्स ने ब्लेम किया है, वो ये है कि नॉट अ सोवरेन बॉडी। अब इस ब्लेम का कुछ तो बेस होगा ना, बेसलेस ब्लेम नहीं होगा ये। तो आइए इस ब्लेम का बेस देखते हैं। इस ब्लेम का देखो पहला बेस तो ये है कि ये जो संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ था वो ब्रिटिश प्लान के तहत हुआ था। तो लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। यानी यह एक ब्रिटिश योजना थी और ब्रिटिश योजना के तहत हमारे संविधान निर्माण करने वाली सभा का निर्माण हो रहा है या जन्म हो रहा है। यानी यह व्यवस्था जो है लग तो रहा है कि हाँ सोवरेन कैसे होगी फिर। और दूसरा आरोप यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बड़ा पार्ट है, द लार्ज अमाउंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर प्रिपेयर्ड इन स्लेव इंडिया इन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये भी एक पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लार्ज पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है जो कहां बना या कब बना, तो बिफोर इंडिपेंडेंस बना। क्या बना? बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। यानी आजादी से पहले बना है, आजादी से पहले बनकर के तय हुआ है या बनकर के तैयार हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और आजादी से पहले हमारे संविधान का बड़ा हिस्सा बनकर के तैयार हुआ है। तो यह तो आरोप लगना लाजमी है कि हमारी संविधान सभा सोवरेन नहीं थी। अब आपको बताना है कि यह सोवरेन थी या नहीं थी। यह आरोप जो लगा है, यह आरोप उचित है अनुचित है, यह सब आपको तय करना है। अब आपके लॉजिक क्या है इस पे, तो आइए देखते हैं आपके लॉजिक। देखिए, यहां पे फिर मैं आपको यह प्रश्न केवल फ्रेम कराऊंगा और आप इस मतलब इतना आपको कंटेंट में दे दूंगा कि आप इस प्रश्न को लिख करके ला सकते हैं। मैं यहां खड़े होकर के कोई भी प्रश्न नहीं लिखवाने वाला। मैं आपको बना बनाया खाना परोसने वाला नहीं हूं। आपको मैं सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाते हैं ताकि आप भूखे ना मरें। हाउ टू राइट आंसर, आंसर राइटिंग इज अ स्किल, आंसर राइटिंग इज एन आर्ट एंड यू हैव टू लर्न, यू मस्ट लर्न दिस आर्ट सो यू कुड राइट एनीवेयर और एवरीवेयर व्हेनेवर इट नीडेड।
जब भी आपको आवश्यकता होगी आप उत्तर लेखन, यह एक कला है और उस कला में आपको मैं पारंगत बनाऊंगा, उस कला में आपको मैं पारंगत बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने पर्सनली गाइड किया था, पर्सनली मेंटरशिप प्रोग्राम दिया था एंड दे ऑल आर सिलेक्टेड। सो लेट्स सी कि क्या है इसमें आपका लॉजिक। देखो आपका लॉजिक इसमें यह है कि ये बिल्कुल सच है, यस वी एक्सेप्ट। पहला आपको काम करना है कि एक्सेप्ट द फैक्ट, एक्सेप्ट द फैक्ट। तो आपको बताना है कि यस इट्स करेक्ट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर फ्रेम्ड बाय अंडर द ब्रिटिश प्लान, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान, एंड द लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज फुल्ली सोवरेन। आप कहोगे हाउ इट्स सोवरेन, तो आपको बताना है कि इन इंटरनल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देर वॉज नो एनी ब्रिटिश मेंबर, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नो ब्रिटिश मेंबर, नो ब्रिटिश मेंबर, ठीक है। इन इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नो एनी नॉमिनेशन डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो एनी नॉमिनेशन was done by British government। क्या आपको लगता है कि पूरे संविधान सभा में एक भी अंग्रेज शामिल था, कोई अंग्रेज मेंबर नहीं था? क्या किसी मेंबर को, किसी व्यक्ति को अंग्रेजों ने नॉमिनेट किया था इसमें? नहीं किया था। तो जब इस पूरे सभा में कोई अंग्रेज नहीं था और किसी को भी अंग्रेजों ने नॉमिनेट नहीं किया था, तो हम ये कैसे मान लें कि यह सभा जो है सोवरेन नहीं थी? तीसरा, नो एनी इंटरफेरेंस आर प्रेशर अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम ब्रिटिश, फ्रॉम ब्रिटिश। यहां पर कोई भी ऐसा, एक भी ऐसा प्रेशर नहीं था अंग्रेजों का हमारे ऊपर, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं या फिर ये ब्लेम जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यह सोवरेन नहीं है, यह तो ब्लेम फिर बेसलेस है ना। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए मुझे कि मान लीजिए संविधान सभा का गठन तो कर दिया अंग्रेजों ने, बट क्या अंग्रेजों के पास इसके डिसोल्यूशन का पावर था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट डिसॉल्व आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव नो राइट ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्दर। आगे उस पर कोई राइट नहीं था, वह उसको डिसॉल्व नहीं कर सकती है, वह उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, वह उसको बदल नहीं सकती है, वह प्रेशराइज नहीं कर सकती है और न तो गाइडलाइंस दे सकती है। नॉट अ सिंगल गाइडलाइन वॉज गिवन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश साइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक भी ना हमको उन्होंने दिया और ना हमने एक्सेप्ट किया। तो लिख लीजिए इस बात को भी कि नॉट अ सिंगल, या ऐसे लिख लीजिए Not worked under the British guideline। कोई गाइडलाइन भी नहीं मिला था हमको, ना उन्होंने दिया, ना हमने एक्सेप्ट किया और ना हम एक्सेप्ट करते। अतः यह कह पाना बहुत मुश्किल है या यह कह पाना गलत होगा कि यह सोवरेन बॉडी नहीं थी। हेंस
our constituent assembly was a sovereign, a fully sovereign body. फुल्ली सोवरेन बॉडी, हमारी संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु सभा थी, ये हमने माना। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड की, क्या सेकंड ब्लेम क्या है इसके ऊपर। तो पहला ब्लेम था कि नॉट सोवरेन बॉडी है, दूसरा ब्लेम है इसके ऊपर कि नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब इस ब्लेम, ये ब्लेम कहता है कि यह प्रतिनिधि सभा नहीं थी, इस ब्लेम का कुछ तो आधार रहा होगा। तो आधार कहता है कि द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डन बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नॉट डन बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्या कहता है कि यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था, क्या कहता है कि यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। और फिर कहता है कि यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो नहीं ही था, लेकिन इसके साथ एक बात आपको और बताता है कि यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी न होने के साथ क्यों नहीं था। तो कहता है देयर वॉज नो एनी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नो एनी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है कि यहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। क्या कहता है? कहता है कि यहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, देर वॉज नो एनी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब संविधान सभा में जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट गुड एट नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। बट कैसा था, एक्सेप्ट कीजिए, आपका लॉजिक क्या होगा, लॉजिक इसके पीछे क्या है कि यस देर वॉज नॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बट इट डजेंट नॉट लाइक, इट डज नॉट लाइक दैट इट्स नॉट सो नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। व्हाई? बिकॉज partially elected and partially nominated organization, nominated body. हमारी संविधान सभा जो है वह अंशतः चुनी हुई partially elected and partially nominated संविधान सभा थी। तो आपको तय है, आपको पता ही है कि हमारी संविधान सभा जो है वह पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली क्या थी, नॉमिनेटेड बॉडी थी। अब जब आपको यह पता है कि हमारी संविधान सभा पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, इट मींस कि हमारी संविधान सभा जो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड संविधान सभा थी, उसमें हमने फुल्ली इलेक्शन क्यों नहीं कराया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्यों नहीं कराया? बिकॉज इट मस्ट बी जस्ट द कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, मनी, रिसोर्स एंड पावर। और क्या हो जाता, फायदा क्या उससे मिलता? क्या हमारी जो पूरी आबादी थी, जो हमारी पूरी आवाम थी, वह इतनी अवेयर थी कि वह कानून बना लेती? तो एक तो यह था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्स, उससे केवल पैसा जाएगा, समय जाएगा, रिसोर्स जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा उससे? केवल टाइम, मनी और रिसोर्स जाएगा, केवल समय का नुकसान होगा, धन की हानि होगी। और उसका अगला लॉजिक क्या है हमारा, कि
our masses were not so aware and well informed हमें चुनाव नहीं कराना था, हमें संविधान बनाना था. और मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेक्निकल वर्क, इज अ टफ वर्क, एंड आवर मासेस आर रियली नॉट अवेयर्ड अबाउट दैट, नॉट अवेयर्ड, नॉट वेल इन्फॉर्म्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसे में आप कर भी क्या लेते. तीसरा, तीसरा इसमें लॉजिक क्या है, ये कहता है कि वी कुड सी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल क्लासेस, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड रिलीजियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. समाज का हर वर्ग, हर तबका, जाति, धर्म, मजहब के लोग थे. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर महिलाओं के भी नेता थे, दलितों के भी नेता थे, जनजातियों के भी नेता थे, किसान, मजदूर, सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर थे. अतः यह ब्लेम कि यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट. वी कंडेम्ड, आर वी डिनाय, क्योंकि ऐसा नहीं था. सबका था, यूनिवर्सल लेटर फ्रेंचाइजी नहीं हुआ था, और उसको कराना ना तो पॉसिबल था और ना फ्रूटफुल था. ठीक है, तो ये दूसरा वाला ब्लेम भी जो है वो ठीक नहीं है. यहां तक कि समस्त आइडियोलॉजीज के भी लोग थे, एंड ऑल आइडियोलॉजीज जितनी भी विचारधाराएं थी, चाहे वो समाजवाद हो, साम्यवाद हो, मार्क्सवाद हो, वामपंथी, दक्षिणपंथी, समस्त विचारधाराओं के भी लोग यहां पे आपको दिखाई दे रहे थे. दैट्स वाई द ब्लेम इज नॉट करेक्ट, एंड आई रिफ्यूज आर आई डिनाय फॉर दिस ब्लेम. मैं इस ब्लेम को स्वीकार नहीं कर सकता. ठीक है, फिर ये कहता है तीसरा जो ब्लेम है, कि थर्ड ब्लेम है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट गेट पब्लिक सपोर्ट. फिर वही बात कहता है कि क्या है इसका बेस, क्या है ये कहने का बेस, क्या है. कहते हैं आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं किया, आपने किसी भी लॉ पे पीपल्स ओपिनियन, जनता का रेटिफिकेशन नहीं लिया. क्या नहीं किया आपने, तो आपने पब्लिक सपोर्ट के लिए रेटिफाई करना था, आपने रेटिफिकेशन नहीं प्राप्त किया है. तो लिखिए कि पीपल, यह जनता के द्वारा रेटिफाई नहीं था. अब आप मुझे बताइए कि क्या रेफरेंडम पॉसिबल था. जिस समय हम आजाद होने वाले थे, 1946 में जिस परिस्थितियों में संविधान सभा का निर्माण हुआ, जहां देश एक तरफ पॉलिटिकल डेडलॉक से जूझ रहा था, ऐसे कंडीशन में क्या किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य उचित था, ऐसा कोई भी रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रेटिफिकेशन ऑफ द पीपल? इट वॉज नॉट पॉसिबल. और रेटिफिकेशन का तो सवाल तब उठता जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होता.
we have already denied for the point of representation. तो जब ऑलरेडी हमारे संविधान सभा में समस्त जाति धर्म मजहब वर्ग विचारधाराओं के लोग हैं तो नो नीड नो रिक्वायरमेंट फॉर रेटिफिकेशन. तो लिख लीजिए कि हमारे के यहां प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था हेंस नो नीड फॉर रेटिफिकेशन नो नीड फॉर रेटिफिकेशन. इसलिए रेटिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी. नो नीड फॉर रेटिफिकेशन. क्लियर है? चले अगला जो ब्लेम है वो कहता है कि हमारे संविधान सभा का संविधान सभा में हिंदुओं का डोमिनेंस था. अगला जो ब्लेम है वह कहता है कि डोमिनेंस ऑफ हिंदू. ये चौथा ब्लेम होगा. डोमिनेंस ऑफ हिंदूज डोमिनेंस ऑफ हिंदूज हिंदुओं का डोमिनेंस है हमारे संविधान सभा में ये कहता है. तो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि यस देयर वाज डोमिनेंस ऑफ हिंदूज. बट लॉजिक क्या है कि लॉजिक पे सीधा आओ. यहां पे आप ये बताओ कि वहां पे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में 80% अगर हिंदू है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बाकी जगह भी हिंदू दिखाई देगा. बट इट डजंट मीन कि ओनली वॉज देयर वॉज हिंदू. और इट डजंट मीन कि द अदर रिलीजियस वर सप्रेस्ड. इट डजंट मीन कि द राइट्स ऑफ अदर रिलीजियस वर नॉट मेंशन. आर यू कैन नॉट सी एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय हिंदूज फॉर हिंदूज. नथिंग लाइक दैट. हम ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा कि हमारा संविधान हिंदुओं का हिंदुओं के लिए बनाया गया संविधान है. नहीं मिलेगा आपको ऐसा. द ऑल रिलीजियस हैव द इक्वल राइट्स. इट मे बी मेजॉरिटी मे बी माइनॉरिटी. और ये तो सिर्फ कहने के लिए क्योंकि पॉपुलेशन के प्रपोर्शन बता दो यहां पे कि रिप्रेजेंटेशन वॉज एज पर द रिप्रेजेंटेशन वॉज एज पर द प्रपोर्शन इन पॉपुलेशन. In population, ठीक है. Representation was as per the proportion in the population. जनता में जितना proportion था उतना ही population में भी आपको दिखाई पड़ा. Is that clear? Any doubt? यहां तो कोई सवाल नहीं. कोई क्वेश्चन नहीं. ठीक है. दूसरा कहते हैं रिप्रेजेंटेशन वॉज एज पर द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. फिर कहते हैं कि ऑल रिलीजियस हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या ऐसा कोई धर्म था जिसके प्रतिनिधि नहीं थे? सभी धर्मों सभी वर्गों के प्रतिनिधि हमारे संविधान सभा में थे. और यही सही है, यही सच है. तो ये वाला ब्लेम भी क्या है, आप सिरे से खारिज करेंगे कि हमारे संविधान सभा में केवल हिंदुओं का वर्चस्व था, यह बात उचित नहीं है. ठीक है. पांचवा ब्लेम होते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. ह
हालांकि ये ब्लेम हमारे संविधान का है, हमारी संविधान सभा पे तो नहीं, हमारे संविधान का ब्लेम है, हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उधार का संविधान कहते हैं, कहते हैं हमारे संविधान सभा ने कॉपी पेस्ट किया है, क्या ये सही है? नहीं, नो, यस वी बोरोड, वी टेकन द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, आप लिखो कि यस द प्रोविजंस वर टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आई होप कि आप लोग पेपर पेन लेकर के बैठे होंगे और लिख रहे होंगे, हाँ, कथा सुनने मत बैठिए, लिखिए, अभी पढ़ लीजिए, ये समय है, अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल अभी कर लीजिए, पूरा जिंदगी खुशी से गुजरेगा, ठीक है, दैट इज द गोल्डन टाइम फॉर यू। यस द प्रोविजन वर टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस बट नॉट कॉपी पेस्ट। ये कॉपी पेस्ट नहीं था, वी रीड, एग्जामिन एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू आवर नीड, वी टेकन देन एग्जामिन देन मॉडिफाइड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमने संविधान से चीजों को लिया जरूर है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं किए है, उनको एग्जामिन किया कि हमारे क्या 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 सुटेबल होगा। ओनली सुटेबल प्रोविजंस वर एक्सेप्टेड। हमने आंख मूंद के कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो हमारे संविधान के लिए सुटेबल था, जो हमारे लिए उचित था, हमने केवल और केवल उसको ही अपने संविधान के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया है। हमने कुछ भी इसमें कॉपी पेस्ट या हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसे हम ये कह सकें कि वह उधार का संविधान है या वह कॉपी पेस्ट है। यस, इट्स टेकन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज बट वी मेक इट लाइफ एंड दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान इसीलिए दुनिया का सबसे जीवंत संविधान है, सबसे जीवित संविधान है भारत का संविधान, द मोस्ट लाइव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। गॉट इट? नेक्स्ट ब्लेम है डोमिनेंस ऑफ लॉयर्स या एडवोकेट्स। हम लोग छठा ब्लेम पढ़ रहे हैं, कि हमारे के हमारे संविधान सभा में एडवोकेट्स का डोमिनेंस था। भाई देखो, सीधी सी बात है कि उस जमाने में शिक्षा का मतलब ही वकालत था। एट दैट टाइम मोस्ट पॉपुलर एकेडमिक कोर्स वॉज लॉ। बैरिस्ट्री, एडवोकेट। और जब सबसे ज्यादा जो कोर्स था या जो सबसे ज्यादा आपका पढ़ाई चल रहा था वो लॉ था। क्यों लॉ था? बिकॉज इन लॉ देर वॉज जॉब इन एमएनसी। क्योंकि आधी दुनिया पर तो ब्रिटेन का कब्जा था, एशिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, तो ब्रिटिश लॉ पढ़कर के मल्टीनेशनल जॉब मिल सकता था, तो मल्टीनेशनल जॉब तो चाहिए ना। तो उस मल्टीनेशनल जॉब को पाने के लिए हम लोग क्या करते थे?
अंग्रेजी पढ़ते थे और अंग्रेजी ही हमको पढ़ना था, सॉरी लॉ पढ़ना था हमको, और लॉ पढ़ रहे थे। तो इसलिए हमारे के यहां जो मैक्सिमम एजुकेटेड पीपल हैं, मैक्सिमम एजुकेटेड आर स्कॉलर, SCHOLAR स्कॉलर, वो लॉ ग्रेजुएट थे। वो क्या थे? वो लॉ ग्रेजुएट्स थे, जो कि मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग थे। वो क्या थे? वो लॉ ग्रेजुएट्स थे। अब बंदा ग्रेजुएट ही लॉ से किया है, अब बंदा अगर ग्रेजुएट ही लॉ से हुआ है, इट मींस लॉ ग्रेजुएट है, इसका मतलब ये है कि वह वकील बनेगा। और एक बात मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी लॉ मेकिंग का जो काम है उसके लिए स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या बिना विधि के विशेष ज्ञान के आप संविधान बना लेंगे? तो आपको बनाना संविधान है तो आपको चाहिए भी क्या? विधि का विशेष ज्ञान चाहिए। और विधि का विशेष ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? तो विधि के विशेष ज्ञान के लिए लॉ। मैक्सिमम इंडिपेंडेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग शामिल थे, दे ऑल आर बैरिस्टर्स, लाइक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारमैया, दे ऑल आर द लॉ ग्रेजुएट्स, दे ऑल आर द एडवोकेट्स। एक बात आप ये भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स वर लॉ ग्रेजुएट। इसलिए हमारे के यहां लॉ ग्रेजुएट्स आपको दिखाई दे, आपको एक्सेप्ट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लॉजिक दे दिया आपने। अगला ब्लेम कहता है कि डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, सातवां ब्लेम कहता है डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। यस, एक्सेप्ट कीजिए इसको। यस, है। क्यों है? जो मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स थे, दे ऑल आर फ्रॉम कांग्रेस। तो पहला तो ये होगा कि मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा कहता है लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी थी उसे भारत की, और सबसे ज्यादा जो है फेथ ऑफ मासेस या पीपल्स फेथ वॉज इन कांग्रेस, वॉज इन कांग्रेस। सबसे ज्यादा जो जनता का भरोसा है वो भी कहां था? कांग्रेस में था। तो मैक्सिमम जनता का भरोसा भी कांग्रेस में है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल देश की आजादी में, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिपेंडेंस, मैक्सिमम देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान भी किसका है? कांग्रेस का है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन, देश की आजादी में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वह योगदान कांग्रेस का है। बताओ, क्लियर? डू यू थिंक इट्स क्लियर टू यू? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? नो? ओके, गॉट इट, गुड। दैट इज द ब्लेम्स
अब आपको एक ब्लेम और बचा है, लास्ट ब्लेम, मैक्सिमम टाइम कंजम्पशन या एक्सेस टाइम कंजम्पशन, आठवां ब्लेम है। कि बहुत ज्यादा समय लग गया, एक्सेस टाइम कंजम्पशन हो गया, मैक्सिमम टाइम कंजम्पशन हो गया इसमें। क्यों हुआ मैक्सिमम टाइम कंजम्पशन? आप माने कि यस नियर अबाउट थ्री ईयर, 2 साल 11 महीना 18 दिन यानी 12 दिन छोड़ करके 3 साल क्यों लगा? तो यूनियन और स्टेट दोनों के लिए एक संविधान कहता है कि अमेरिका का संविधान 6 महीने में बन गया, अमेरिका में 50 और 51 संविधान है, यानी अगर हर 6 महीने में यानी साल भर में आप 2 संविधान बनाएंगे तो 25 साल लगता अमेरिका को, हमको सिर्फ 3 साल लगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यूनियन का कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूनियन और स्टेट सबके लिए क्या है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया इज मोस्ट डाइवर्सिफाइड नेशन, क्या भारत से ज्यादा विविधता कहीं है पूरी दुनिया में? द मैक्सिमम लैंग्वेजेस, मैक्सिमम कल्चर, मैक्सिमम रिलीजन, मैक्सिमम कास्ट, मैक्सिमम कम्युनिटी, मैक्सिमम आइडियोलॉजी, इतना कुछ है हमारे पास। इन सबको, इन सबके लिए कुछ कुछ लिखना था, इन सबके लिए कुछ कुछ राइट्स देने थे, तो क्या इसमें समय लगता है या नहीं लगता? कोऑर्डिनेशन बिटवीन कास्ट कम्युनिटी रिलीजन आइडियोलॉजी, इतना कुछ था। अब इन सबके बारे में जब कुछ कुछ लिखोगे तो क्या इसमें समय लगेगा या नहीं लगेगा? तो इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न को एक अच्छे कागज पे, एक व्हाइट शीट पे लेकर के लिखेंगे और लेकर के कमेंट बॉक्स में आप इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, यहां पे ये प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और बहुत जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या नहीं, क्या आप लोग तैयार हैं? तो कब आप लोग मिलेंगे तैयार मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वो समय मुझे ज़रूर बताइए। अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।